इस वीडियो में हम लोग टू वे स्विच का कनेक्शन करना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए आपको दो टू वे स्विच, एक होल्डर और वायर की जरूरत पड़ेगी। वीडियो में आप जिस हिसाब से देख रहे हैं कनेक्शंस हो रहा है, उसी हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि तीन नटे होती है। तो आपको यहाँ पे टोटल छह नटे दिख रही होंगी, एक में तीन है, दूसरे में तीन है। तो आपको दोनों स्विचों के ऊपर के दोनों नटों को आपस में वायर की मदद से जोड़ देना है और नीचे के दोनों नटों को आपस में वायर की मदद से जोड़ देना है। बीच के दो नटे आपके खाली रहेंगी, उन दोनों को अलग अलग जोड़ना है। एक स्विच के बीच वाले नट को आपको डायरेक्ट होल्डर के साथ जोड़ना है। होल्डर में दो टर्मिनल्स होते हैं, उसके एक टर्मिनल्स में आपको स्विच के बीच वाले टर्मिनल को जोड़ देना है, जिस हिसाब से आपके प्रैक्टिकल में देखते हैं। उसके बाद दूसरे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में आपको फेज सप्लाई दे देना है। जैसा आप देख रहे हैं बीच के टर्मिनल में फेज का वायर जोड़ा जा रहा है, उसे हम सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ेंगे और हमारे सर्किट में सप्लाई लाइन आ जाएगा। कनेक्शंस आपको टाइट रखना है, फिटिंग टाइट करना है। यह हमारा फेज तार रेडी हो गया है। उसके बाद हम एक वायर लेकर के डायरेक्ट होल्डर के दूसरे टर्मिनल पे आप कनेक्ट कर देंगे, जो न्यूट्रल वायर का काम करेगा। हमारे बल्ब में फेज और न्यूट्रल दोनों वायर कनेक्ट हो जाएगा। आपको कनेक्शंस पूरे टाइट करना है, कोई भी वायर लूज नहीं होना चाहिए। लूज होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए फिटिंग में ध्यान दीजिएगा, फिटिंग आपको टाइट करना है। अब हमारा कनेक्शंस रेडी हो चुका है, इस पे हम बल्ब फिट कर देंगे और फिर इसके बाद एक बार हम लोग सर्किट को चेक करते हैं कि कैसे कैसे कनेक्शन किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका कनेक्शन। ये पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है, दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं और उधर से वायर निकल के बल्ब में आया हुआ है और एक न्यूट्रल के लिए हमारा इस साइड हरा वाला तार निकला हुआ है। तो अभी हमारा ये ग्रीन वायर और ब्लू वायर, दो वायर हमारे पास मेन तार है। तो ग्रीन वाला हमारा न्यूट्रल के लिए है और ब्लू वाला हमारा फेज वायर के लिए। तो ये देखिए सप्लाई चालू हो गया है और बल्ब हमारा ऑपरेट हो रहा है, ऑन ऑफ कर रहा है। इस कनेक्शन की मदद से हम किसी भी स्विच से बल्ब को चालू और बंद कर सकते हैं। अगर एक स्विच से ऑन किए हैं तो उसी स्विच से हम बल्ब को बंद भी कर सकते हैं, और अगर एक से स्टार्ट किए हैं तो दूसरे से हम बंद कर सकते हैं, और दूसरे से अगर चालू किए हैं तो पहले से हम बंद कर सकते हैं।